तो करीबन 6 घंटे पूरे होते हुए पब्लिक देखो, पब्लिक ओमकालेश्वर मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि ये ओमकालेश्वर में स्थित है, जो कि खंडवा जिला में पड़ता है। वो अभी पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो यहाँ तक इंदौर से यहाँ कैसे आए हैं, अभी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे मंदिर और स्नान करके पूरा सब। इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को प्ले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इनका युद्ध चल रहा है, ये देखो मजा, ये नहाने की तैयारी चल रही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ठंड पानी से सब डर रहे हैं, उधर पानी बहुत ठंडा है। तो अभी चलते हैं नहाने के लिए और फिर आपसे नहाते टाइम मिलते हैं। सब सिंगल हड्डी डबल हड्डी ये सब नहाने में बिजी, और यहाँ चोर भी ज़्यादा रहते हैं। अगर बैग आप रखें तो अपने सामने रखें, नहीं सावधानी हटी दुर्घटना घट सकती है कितने टाइम भी। छोटी छोटी बच्ची टीका लगाने का जो इच्छा हो आप वो दे सकते हैं, कोई शुल्क नहीं चार्ज करते कि कितना लगना है, और काफ़ी अच्छा लगाते भी हैं। ये अन्ना भाव हमारे पूरे अब अन्ना भाव लगने लगे। अरे अभी और रुको, ये देखो अब सबका लग गया है, अब श्रवण भैया का नंबर जो कि अब लगवा रहे हैं, ये देखो सब सेल्फी लेने में बिजी। और यहाँ का पूरे चारों तरफ से लोकेशन दिखाते कितना अच्छा लगता है। बोट है लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम अपने पास कम है, 3 बज चुके हैं और अभी हमको इंदौर भी निकलना है, इसलिए टाइमिंग का इशू है। अभी चलते हैं यहाँ से फटाफट मंदिर के तरफ और फिर मिलते हैं आपको मंदिर में। तो इस वीडियो में पूरा दिखाऊँगा कहाँ से कहाँ जाना है और क्या होने वाला है, सब कुछ पूरा डिटेल से दिखाऊँगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको यहाँ पे बोटिंग करना है तो उसका भी चार्जेस आपको बताते हैं, 100-100 रुपये लगता है एक बोटिंग का चार्ज करने के लिए, और पूरा यहाँ पे घाट घुमा के लाएंगे जो कि कम टाइम में ही घुमा के आपको पूरा घाट ले आएंगे। ये देखिए पूरा बोटिंग करने के लिए, अभी हम लोगों के पास टाइम नहीं है बोटिंग करने के लिए, फिर कभी आएंगे तो बोटिंग ज़रूर करेंगे, लेकिन आप आइए तो टाइम से आ जाइए तो बोटिंग भी कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले लीजिए और मंदिर की तरफ प्रसाद बाहर से ही लेके अंदर जाएं। अरे वो साइड से चली थी भाई साहब। ये देखिए दोस्तों लंबी लाइन, अभी ऊपर मंदिर है और पूरा घूम घूम के जाना पड़ेगा। ये भाई पर्स ना चुराए, ये हम खड़े हैं अच्छा तय खड़े लोग, कितना मेहनत कर रहे हैं महाकाल। निकला जान बहुत बुरा हाल होता जा रहा है दोस्तों, 2 घंटे हो गए कम से कम। अभी हम लोग कुछ सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए हैं, अभी हमको करीबन 2-3 घंटे और लगने वाले हैं क्योंकि यहाँ घोटाला भी चालू है, आपको अभी बताएंगे। पूरा वीडियो में बने रहना, पूरा वीडियो में बताएंगे कैसा क्या सिस्टम है यहाँ, आने से पहले एक बार जरूर देख लेना। पब्लिक देखो, पब्लिक पब्लिक तो अब पहुंचने ही वाले हैं, तो थोड़ी देर बाद आपको दर्शन कराएंगे, अगर हम दर्शन कर पाए तब दर्शन कराएंगे। लेकिन भीड़ देखो, बुरा हाल है, बेचारा सुबह से खा के नहीं आया, ऐसे आ गए तो एकदम मुंह छोटा छोटा हो गया। क्या हाल अन्ना भाऊ, हेलो अन्ना भाऊ।
तो अब फाइनली पहुंच चुके हैं, अब जा रहे हैं आप देखने के लिए। आप देखते हैं यहाँ पे वीडियो अलाउड है नहीं, लेकिन आपको दिखा रहे हैं, अब दिखाते हैं क्या होता है सीन यहाँ का। तो चलिए दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों दर्शन हो गया है, अभी हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ से निकलने वाले हैं अब इंदौर के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।